सरसता पत्र में और पुनः आपका संबोधन होगा। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय विनोद कांबळे जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। पार्टी कार्यालय से विशेष जाने पर मुझे एक तो अच्छा लगा कि आप लोग मुझे हरियाणा का ज्यादा मानते हैं। काफी चर्चा हरियाणा को लेकर आपने की, मतलब मैं हरियाणा के नाते रजिस्टर को हो गया हूँ, इसका अपने आप में आनंद पक्का ले रहा हूँ। लेकिन जब मंत्री था तब हरियाणा का प्रभारी था, अभी महामंत्री हूँ, इसलिए हरियाणा के अलावा बाकी प्रदेश के भी कुछ ना कुछ दायित्व पार्टी के आते हैं और उसी दायित्व में आज रविंद्र सिंह मारवाड़ जी जो 3 बार दिल्ली से विधायक रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रहे, मौजूदा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अभी मेंबर हैं, केंद्रीय सदस्य सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 1998 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे। ऐसे एक सीनियर राजनीतिक नेता आज भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से, दिल्ली के हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से रविंद्र जी का बहुत बहुत पार्टी में स्वागत करता हूँ और उनकी क्षमता के अनुसार पार्टी तो उनको दायित्व देगी ही, लेकिन पार्टी में वो जिस विचार से आए हैं मुझे लगता है कि आम व्यक्ति की सेवा करने के लिए पार्टी को उन लोगों तक पहुंचाने में रविंद्र जी कामयाब रहेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी के द्वारा जनता के लिए जो करना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपेक्षित है वो करने में वो कामयाब रहेंगे। ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और रविंद्र जी को अनुरोध करता हूँ कि वो अपना मनोबल व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित शाह जी का और साथ ही विनोद कांबळे जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, शुक्ला जी और साथ ही मेरे छोटे भाई सिरसा जी जिनकी प्रेरणा से और उन्होंने काफ़ी दिनों से कह रहे थे, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इस पार्टी में शामिल किया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुआ हूँ और मैं आप लोगों को कांबळे जी को विश्वास दिलवाता हूँ कि जब तक मेरे प्राण है मैं आपकी पार्टी की सेवा करता रहूँगा बिना पद के लालच के। मैं अपनी भावना से आया हूँ क्योंकि मेरे को पिछले चुनाव में भी अमित शाह जी ने कहा कि आप
भारतीय जनता पार्टी से MLA लड़ लो, लेकिन उस पार्टी की निष्ठा दिखाते हुए मैंने हामी नहीं भरी। लेकिन आज सवाल जो उठ रहा है, मेरे को बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने इस पार्टी के लिए क्या नहीं किया। अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी के लगा दी, अपनी जवानी लगा दी। मैं DAV कॉलेज में प्रेसिडेंट, FGD काउंसलर भी रहा, NHOI में भी मैं ऑल इंडिया में 1977 में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा। लेकिन इस पार्टी में बड़ा दुख होके मेरे को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि इस पार्टी में आज कदर नहीं हुई। इस पार्टी में तो मैं हैरान हो जाता हूं, ऐसे ऐसे लोग शामिल कर दिए हैं जो चपरासी के लायक नहीं है। अभी एक प्रवक्ता बनाया है, आप लोग उसको जानते ही होंगे, जिसको इंचार्ज बना दिया। बड़ी हैरानगी की बात है, खेड़ा है उसका नाम। वो क्या होता था, मुख्यमंत्री का PA होता था अखिला जी। उसकी पार्टी की क्या कुर्बानी है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। कई ऐसे जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं जिनकी पार्टी में कोई बात ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, कोई लोग पहचानते ही नहीं है। अभी मैं एक साल पहले 9 महीने हुए में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी गया, वहां पर क्या देखा, आप हैरान हो जाओगे। एक जनरल सेक्रेटरी के कमरे में गया, वो 4-6 लोगों को बैठा के खुद सिगरेट पी रहे। कितनी, मैं नाम नहीं लूंगा, और बड़ी हैरानगी हुई कि जहां पर दफ्तर में पूजा होती है वहां पर सिगरेट पी। अभी क्या हुआ, अब तो वहां बंटवारा चल रहा है। अब बंटवारा कैसे चल रहा है, अभी राज्यसभा आपने देखा, 2 कोटे एक जयराम कोई पार्टी में करवा दी, एक जो विनोदी सेल का नाम मेरे ध्यान से उतर रहा है यूपी से, उसको राज्यसभा कहां भेज रहे हैं, महाराष्ट्र। वो किसका आदमी है, प्रियंका गांधी। दूसरा मुकुलवासनी किसका है, सोनिया गांधी का। 2 जो और चुने गए हैं वो राहुल गांधी के, एक कौन है, हरियाणा से सुरजेवाला। मतलब जो लोग चुनाव हार हार के उनको पार्टी में इतना तवज्जो दे रहे हैं, उस पार्टी का क्या फायदा जहां बट रहे हैं। वहां जो वर्कर, मैं तो G23 वालों को भी कहूंगा कि इस पार्टी में आपको कुछ नहीं मिलना, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे सुशील कुमार शिंदे हो। इन्होंने ना किसी को दूसरे को अध्यक्ष बनने देना है, ये भी लिख लो आज, जैसे पहले जितेंद्र प्रसाद जी खड़े हुए थे, सचिन पायलट खड़े हो, सॉरी रजेश पायलट जी। क्या हुआ, अब PCC प्रेसिडेंट सारे के सारे राहुल गांधी अपने बना रहे, ना कोई बाय डेटा देख रहा है कि किसकी पार्टी का कुर्बानी है, कुछ नहीं देखा जा रहा। आज क्या देखा जा रहा है कि उसके जो शक्ति हैं वो किसका नाम ले रहे हैं। जिस पार्टी में कुर्बानियां जिन्होंने दी, जिन्होंने गुलाम नबी आजाद जी ने आगरा में 40 सीटें लेके आए, उन्होंने इतनी मेहनत की, सुशील कुमार शिंदे जी ने कितनी मेहनत की, लेकिन आज उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। पीछे सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा भी था कि हमसे कोई पूछा नहीं जा रहा, तो उस पार्टी में क्या करना होना आ रहा है उस पार्टी का। मैं तो दोबारा G20 तो कहूंगा कि आप लोग चुपचाप
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और आपको सम्मान मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो वो कमाल कर रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है आज तक आपने ऐसा प्रधानमंत्री जी नहीं देखा जिन्होंने आज तक एक छुट्टी नहीं की। परसों एक महिला को वहां पर गए 90 साल के, उनके पैर छू, कितनी बड़ी बात है प्रधानमंत्री आशीर्वाद ले रहे और छोटी सी छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं। और विकास की तो आप रफ्तार ही बन गई, आप देखो यूपी में कितना विकास, हरियाणा में कितना विकास, मुझे तो जाने का मौका मिलता है, क्यों उत्तराखंड में दोबारा आ गए, कहां गए वो सारे सर्वे, मैंने पहले दिन ही कह दिया था आपको। वहां की भी एक कहावत सुना देता हूं, हम वहां पर उत्तराखंड में तराई में पिछले बार भी मैं इंचार्ज था, इस बार भी मैं वहीं पर था देहरादून तराई के लिए में। हमारा राजा आता है, हेलीकॉप्टर उतरता है, कम से कम नहीं तो वहां एक्स मिनिस्टर, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए सब वहां लाइन लगाकर खड़े हैं, दो दो घंटे हो गए। जब उतरता है तो आप मानोगे 4 मिनट में स्टेज पे पहुंच जाते हैं। फिर वहां का क्या तमाशा होता है, किट दी जाती है कि आप 5 मिनट बोलोगे, आप 3 मिनट बोलोगे, आप 2 मिनट बोलोगे, पीसीसी प्रेसिडेंट बोल रहे हैं उसको रास्ते में जाके कि जल्दी करो राजा कब ने कहा। अब मैं दूसरी कहावत आपको सुना देता हूँ, ये मैं बातें बिल्कुल सच्ची, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता। मैं पार्टी में भी जब शामिल हूं तो मैं कोई लालच के नहीं आया, मेरे को हैरानगी है कि मेरे जैसा आदमी जिसने राहुल गांधी की रैली 10,000 आदमियों की कराई 2 दिन में जंगपुरा के क्षेत्र में, मैं 1.5 साल से टैग मांग रहा हूं, और जो हमारी महारानी है उसका कोहरी कुमार है, वो कैप्टन को आरोप लगा रही है कि आप निकले नहीं। अरे आप कौन सा 3 साल से निकले हो, मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी एक वर्कर से मिले हो, एक वर्कर से नहीं मिले, 3 साल हो गए, मांगो टाइम, तबीयत खराब है या इसका नाम क्या मना करते हैं। अरे वो पार्टी क्या है, मैं तो अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ, मैंने परसों सुबह फोन किया, लिखवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने सिरसा जी को कहा कि धर्मेंद्र मारवा जी को लेके, और कल रात आप मानोगे जैसे परिवार के सदस्य थे, मैं तो नया नया मिला, ऐसे आधा घंटा बैठ के बातचीत करते, वो भी कांग्रेस की सुबह दरबार लगते थे, आज वो कांग्रेस है किसी का पता ही नहीं है, क्या करने वाले हो, शाम को पता लगता है 4 फैक्ट्री बना दिए, उससे अगले दिन पता लगता है जनरल सेक्रेटरी बना दिए, अभी अभी ताजी बात है एक दिन अखबारों में आता है जय राम को प्रवक्ता बना दिया, 2 दिन के बाद अखबार में आता है कि कौन खेला को बना तो ये काम है। अब मैं एक और बात आपको बड़ी बताना चाहता हूँ, पीछे गर्मियों में पिछले साल की बात बता दो, आप भी शायद वहां पर होंगे या कुछ प्रेस वाले होंगे, मतलब उस दिन गर्मी इतनी थी कि 46 या 47 डिग्री था पारा। मेरे को अध्यक्ष का फोन आया चौधरी का, ये उसका अध्यक्ष ताजा ताजा बना था, मेरे को फोन आता है मरवा साहब आप आ गए, राजा साहब और प्रियंका गांधी जी यूपी में जा रहे हैं, वहां कोई कांड हो गया था, 10 बजे कटे हम चले गए 50 वो लेके, क्योंकि कुछ क्षेत्र मेरा भी पड़ता था, तो मैंने कहा चलो हम चलेंगे। आप मानोगे बिना पानी के 4 घंटे हो गए हम लगातार वहां पर, कम से कम ही 1,000 कार्यकर्ता था, और वहां ना कोई पानी की व्यवस्था थी कुछ नहीं था, और गर्मी 46 डिग्री थी, ये पिछले साल की बात था, वो ये जो पुल है जो नया जो निकलता है ये DNG वाला पुल, तो यहां से जाना था,
बड़ी हैरानगी हुई, उस दिन तो मेरे को रोना आ गया कि किस पार्टी में हूँ। गाड़ियां आई 8-10, फोरन मारती आई, राजा का फोन पे लगा हुआ है, वर्कर चिल्ला रहे हैं और पुलिस वाले मप्पल की सायरन मार के गाड़ियां निकल गई। किसी को ये नहीं कहा कि बाय बाय कर, फोन पे लगे। अरे मैंने कहा हम 4 घंटे हो गए हमारे ऐसे पागल आदमी यहाँ पर खड़े हैं, और बड़ी हैरानगी की बात है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे को इतने चक्कर आ गए कि मैं एयर कंडीशन गाड़ी में जाकर बैठा तो अपनी हम मानोगे ऐसा हादसा, मतलब किसी का पता ही नहीं। अरे एक बार शीशा खोल के बाय बाय तो कर दे, उसमें तो पैसे नहीं लगते हैं। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं कभी? तो फिर आप बताओ कि इसका क्या करना है। मैं एक बार फिर आप प्रेस वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को पार्टी में शामिल किया। नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, और साथ में ही अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कल रात को हमें टाइम दिया।